लोग बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स की तरफ अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं, लेकिन करनाल में एक ऐसा स्कूल भी है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो तस्वीरें आपने देखी है करनाल जीडी रोड पर स्थित डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन की है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल को मात देता है। यहाँ पर सभी तरह की फैसिलिटीज बच्चों को सिखाई जाती है, चाहे वे म्यूजिक से संबंधित हो या स्पोर्ट्स से या साइंस से। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से म्यूजिक के समय हम यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर किस तरह से म्यूजिक बच्चों को सिखाया जाता रहा है। हम आपको बता दें कि डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन में आप भी यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, यहाँ की आपने साफ सफाई देखी, यहाँ का जो टीचर्स का आपने टैलेंट देखा कि किस तरह से बहुत ही वेल ट्रेन टीचर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, और काफी अच्छा स्कूल ये करनाल के जीडी रोड पर मधुबन पर स्थित है, वाकई काफी सराहनीय है। इस समय मौजूद है करनाल के जीडी रोड पर स्थित डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन, जो वाकई एक ऐसा स्कूल है जहां पर तमाम तरह की फैसिलिटीज यहां पर बच्चों को अवेलेबल है, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल्स को भी अपने आप में पीछे छोड़ती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन की। कुछ पेरेंट्स यहां पर मौजूद हैं जिनके बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे इस स्कूल के बारे में, और आपके बच्चे यहां पढ़ते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी, आई थिंक इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल डिसीजन व्हेन यू सिलेक्ट द स्कूल फॉर योर बार्ड बेस्ट स्कूल फ्रॉम मैनी ऑप्शंस अवेलेबल। और जब हम किसी स्कूल को सिलेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कंपेयर करते हैं, लाइक दैट चार्जेस, फैसिलिटीज, क्वालिफाइड स्टाफ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मेरा खुद का ये मानना है कि जैसे मैंने अपनी गुड़िया को यहाँ डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन में उसका एडमिशन करवाया है, तो मैं मानती हूँ कि मैंने ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि मैं स्कूल की हर एक एक्टिविटी से 100% सेटिस्फाई हूँ। यहाँ पे बच्चे को इंडिविजुअली अटेंशन के साथ पढ़ाया जाता है, और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बच्चों को गेम्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, हर एक चीज़ में आगे लाया जाता है ताकि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। इसलिए मेरे लिए दी बेस्ट है। थैंक यू। कि पेरेंट्स यहाँ पर सभी खुश हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की फैसिलिटीज डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि चाहे अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का हो, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, क्रिएटिव, एंथुसियास्टिक एंड पैशनेट टीचर्स हो, सीसीटीवी सिक्योर प्रीमिसेस हो, वेल वेंटिलेटेड स्पेशियस एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्लासरूम्स हो, वेल स्टॉक्ड ई लाइब्रेरी, हाईटेक लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स फैसिलिटीज, टाइम टू टाइम काउंसलिंग एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स, जीपीएस इनेबल्ड सेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद अ फ्लीट ऑफ बसेस, एनसीसी एयरविंग एंड पीसीसी, फोर स्पोर्ट्स नर्सरीज, स्विमिंग बॉयज एंड गर्ल्स, एथलेटिक्स बॉयज एंड गर्ल्स। तो अपने आप में बेहतरीन स्कूलों में करनाल के डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल का नाम आता है। आप में से बहुत कम लोग इस स्कूल के बारे में जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस के बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो पेरेंट्स जिनके पुलिस में है आपके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर एडमिशन ओपन है, आप किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर अपने बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।
देखा कि हमारा डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन NH1 पर स्थित है और ये स्कूल पुलिस और नॉन पुलिस दोनों ही बच्चों के लिए है। जनरली ये माना जा रहा है, लोगों के मन में एक भ्रांति है कि ये स्कूल सिर्फ पुलिस के बच्चों के लिए, बट ऐसा नहीं है। हमारा जो ये स्कूल है इट इज अ स्पोर्ट्स हेवन। अगर आप अंदर, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर आज देख ही लिया है, तो आप कोई भी गेम का नाम लें और वो सुविधा यहां उपलब्ध है। हमारे अपने स्कूल के पास 4 स्पोर्ट्स नर्सरीज हैं और हमारे स्कूल के बच्चों ने नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे खिताब जीते हैं, जैसे कि गेम है गोल्फ, बॉक्सिंग, फुटबॉल एंड बैडमिंटन। यहां पर हमारे बच्चे अपना जौहर दिखा चुके हैं और हम डीएवी में, जैसे कि हमारे स्कूल का नाम है डीएवी एंग्लो वैदिक, तो यहां पर ना केवल हम बच्चों को जो साइंस के लिए, क्योंकि साइंस युग है, साइंस के लिए प्रेरित करते हैं, बट हम अपने बच्चों को अपनी वैदिक सभ्यता के साथ जोड़ते हुए, डेली हमारे यहाँ स्कूल में हवन होता है जिसमें बच्चे जो हैं खुद जजमान बनते हैं, खुद हवन करते हैं, जिससे कि वो अपनी धरा से जुड़ रहे हैं। और आज के जमाने में मुझे लगता है कि ये हमारी नीड भी है कि बच्चे अपनी वैल्यू सिस्टम को समझें। इसके अलावा हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देख ही लिया है, बहुत अच्छी लैब्स हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और हमारा ये को एजुकेशनल स्कूल है जिसमें तीनों स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, तीनों स्ट्रीम्स को हम कैटर करते हैं। एक्सेलेंट रिजल्ट हमारे स्कूल के बच्चे अभी तक देते आए हैं और इस तरह से हमारा स्कूल जो है दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। और हम चाहेंगे कि आप जो आसपास के लोग हैं वो आएं और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का ना केवल फायदा उठाएं, बट कम से कम एक बार आकर विजिट करें ताकि जान सकें कि हमारे स्कूल में किन नवीनतम टेक्निक्स का यूज किया जाए। And I'm a student of DAV Police Public School, Madhuban. Today, I feel really privileged that I got a chance to speak something about this school. I want to thank all my teachers and principal ma'am who have always been very supportive and inspiration for all of us. And I want to thank them that they have supported me throughout my journey and they have always been ready to take problems and they have explained everything so clearly that today not a topic is untouched. So, thank you.
स्थित डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन अपने आप में बेहतरीन स्कूलों में एक है, जिसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज यहां पर अपने आप में इंटरनेशनल स्तर की है, क्योंकि मधुबन पुलिस अकेडमी नजदीक है और स्पेशल कोचेस जो है यहां पर सभी तरह की गेम्स के अवेलेबल है। जैसे कि आपने देखा कि यहां के स्टूडेंट्स को किस तरह से बेहतरीन तरीके से यहां पर ट्रेन किया जाता है। करनाल के डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन के बच्चों ने ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार जो है गोल्ड मेडल्स जीते हैं, जिन्होंने अपने शहर का अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। कोच हमारे साथ हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे करनाल के डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन में किस तरह की स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज यहां पर अवेलेबल है और उन स्टूडेंट्स के बारे में? पहले तो नमस्कार आप सभी को, मैं डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन स्पोर्ट डिपार्टमेंट से संदीप गोस्वामी बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताना देना चाह रहा हूँ, हमारे स्कूल में लगभग 18 कोचेज डिफरेंट स्पोर्ट्स के रखे गए हैं और हमारे स्कूल में हर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी दी गई है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने की हम कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हम इसको एक स्पोर्ट्स हब बनाने जा रहे हैं, जिसमें अभी हमारे लेटेस्ट स्विमिंग की और एथलेटिक्स की हमारी 4 नर्सरियाँ आई हैं, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने दी है, जिसमें हम अलग से भी 4 कोचेज रखे हमने। और जो हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, चाहे हमारे फिजियोथेरेपी ले लो, चाहे हमारे डिफरेंट कोचेज ले लो, एथलेटिक्स, स्विमिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, जुडो, मार्शल आर्ट, हमारा स्विमिंग, फेंसिंग, टोटल हमारे 18, योगा स्पेशली हम योगा पे भी विशेष ध्यान दे रहे हैं और 18 कोच रखे हुए हैं ताकि बच्चे आए और फिजिकली फिट रहे हमारे स्कूल में। तो ये आप देख रहे थे कि करनाल के डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन में जहां कंप्यूटर से लेकर सभी तरह की लैब्स यहां पर मौजूद है, वहीं सभी स्पोर्ट्स के कोचेज यहां पर अवेलेबल है, जिसको लेकर करनाल के डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन से हर साल कई बच्चे देश में खेलने जाते हैं। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज दीपक सिंह एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल। I would like to thank teachers who have supported me throughout. The caring nature and assistance provided by teachers makes this school an enjoyable place. I would like to thank Principal Ma'am for endless support and encouragement which she has provided to us. I feel DAV Police Public School is not just a place to learn, it is an institution which is cultivating dreams of student. I feel everything which school has done for us is really commendable. And I am blessed to be a part of it. पब्लिक स्कूल मधुबन में हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट बेस्ड टीचिंग में मेनली हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं और एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है और वेल इक्विप्ड हमारे जो लैब्स हैं। मेनली हम बच्चों को स्पोर्ट्स का, हम लोगों के स्कूल में बच्चे स्पोर्ट्स में आगे निकल रहे हैं, हर स्पोर्ट्स में बच्चे आगे निकल रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में भी बच्चे जा रहे हैं और वहाँ अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने स्कूल का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन कर रहे हैं।